शासकीय पेंशनर एवं सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ जिला गुना के द्वारा विकसित किया गया पर्यावरण पार्क में वीरेंद्र सिंह बघेल अनुविभागीय अधिकारी गुना के द्वारा पौधारोपण कर अवलोकन किया गया। शैलेंद्र शर्मा कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा लेआउट जानकारी देते हुए अभी तक पेंशनरों के द्वारा सहयोग राशि से पार्क को विकसित करने की जानकारी दी गई। वृक्ष मित्र योजना पूरी जानकारी दी गई। अभी तक 30 से अधिक पेंशनर साथ ही वृक्ष मित्र सदस्यता ग्रहण कर ली गई है। घनश्याम श्रीवास्तव अध्यक्ष अपने उद्बोधन में कहा कि अनुविभागीय अधिकारी का हमेशा सहयोग रहा है। बघेल अनुविभागीय अधिकारी ने कहा कि पेंशनरों में इस पार्क को गोद लेकर एक गुना के अंदर जागृति पैदा की है। उम्र के इस पड़ाव पर इतना अच्छा पार्क को विकसित किया है, हम लोगों को गर्व की बात है। मुख्य अतिथि अनुविभागीय अधिकारी वीरेंद्र सिंह बघेल का स्वागत कमलेश श्रीवास्तव, कृष्णराव कापसे, पीके मुखर्जी एवं रणजीत सिंह तोमर, आलोक नायक एवं अध्यक्ष द्वारा किया गया। बघेल द्वारा पीके मुखर्जी एवं अध्यक्ष का स्वागत किया गया। कमलेश श्रीवास्तव, सचिन द्वारा आभार व्यक्त किया गया। डम्पी खान की रिपोर्ट। लेकिन गुना जिला एक ऐसा जिला है कि यहाँ हमारे दोनों जो है राजनीतिक संगठन एक मंच पर काम करते हैं। मैं हमारे उनके काफ़ी आदरणीय आपसे भी जो हमारे संगठन के अध्यक्ष हैं उनसे मैं कहूँगा कि हमारे एसडीएम साहब को जो अध्यक्ष लगा सकती हूँ और पहले जी से भी करना तो जरूरी आए काफ़ी बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। कार्य करने में बहुत लगा हुआ है। शिक्षक दिवस का सम्मान हो, अभी हमने शिक्षक दिवस का
नहीं करा था, राष्ट्रीय अपने इंडिया के सभी इंजीनियरों का सम्मान किया था, बनाया गया था। और इतना ही कोरोना काल में हमारे अध्यक्ष की खुद व्यक्ति आदमी कुछ भीषण आपदा से डरता था, तब हमारे अध्यक्ष की खुद जा जा करके लगभग 50,000 का जो है खाद्यान्न वितरण किया गरीबों के अंदर जाकर। अभी ये प्याऊ की जहाँ व्यवस्था देखी तो प्याऊ की भी व्यवस्था यहाँ लोग आते पानी के लिए बड़े परेशान होते हैं। कल आई सलीजा जी भी आए थे, उन्होंने कहा पता नहीं मेरे से कहने की बात सुन गया, एक दूसरे में जरूर करूँगा क्योंकि यहाँ रस्सी के लिए लोग आते हैं, कई माताएँ रहने आती हैं, बहुत परेशान होते हैं, तो इधर उधर बच्चे भी हैं, तो उनके इंजन के लिए या तो बहुत नगर पालिका की तरफ से रख लिया या कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि वो बहुत परेशान होती है। बहुत अभी लाइटिंग की व्यवस्था भी थोड़ा हमने निवेदन किया है, 2-3 और एक्स्ट्रा लग जाए, या ये जो हमारी बेदी बनी हुई है उस बेदी के चारों तरफ छोटे जो वो लगते हैं लाइट के वो लग जाए, तो कम से कम एक अट्रैक्शन 2 महीने में इसको अपग्रेड करके और उसको इनको हैंड ओवर कर दें। लेकिन मात्र के बाउंड्री वाल बनी है, इसके अलावा कोई काम नहीं है, इसकी रंगाई पुताई जो आप देख रहे हैं सारा फेज हमने किया है। और निश्चित रूप से हमारे अध्यक्ष जी हमें प्रभाव डालेंगे, मैं अध्यक्ष जी को कहना तो बोलूँ आपके सम्मान में।